आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। लखनऊ के उत्तर प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस की तरफ से जाति जनगणना को लेकर एक बड़ी बैठक की गई है, जिसमें प्रदेश भर से ओबीसी समाज के नेता पदाधिकारी सम्मिलित हुए। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि प्रदेश में जाति जनगणना कराई जाए। कांग्रेस ने कहा कि अगर ये मांग नहीं सुनी गई तो कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेगी। जल्द ही कांग्रेस पार्टी एक टोल फ्री नंबर जारी करेगी, जिसमें जाति जनगणना के समर्थन को लेकर इसी क्रम में पार्टी के संगठन सचिव अनिल यादव ने प्राइम टीवी से बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस पार्टी में भी जाति जनगणना के मुद्दे पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी का ये प्रदेश दफ्तर है जहां पर ओबीसी कांग्रेस की तरफ से आज एक बैठक रखी गई है, जिसमें प्रदेश के अंदर में कहीं ना कहीं जाति जनगणना को लेकर एक जो मांग है उसमें एक रफ्तार देने के क्रम में अब कांग्रेस भी पीछे नहीं है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के ओबीसी प्रकोष्ठ के अनिल यादव है, जिनसे हम साफ तौर से जानेंगे और समझेंगे कि आखिर 2024 चुनाव से पहले जाति जनगणना मुद्दा कितना अहम है। अनिल यादव जी, अगर बात की जाए तो अब कांग्रेस पार्टी भी जाति जनगणना की मांग को रफ्तार दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक तरीके का अर्ध सत्य है कि कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना को रफ्तार दे रही है। 2011 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब हमने जातिगत जनगणना करवाई थी। हमने वो डेटा जारी नहीं हुआ क्योंकि हमारी सरकार चली गई। ये वो डेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास है। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि जो पिछड़ों की हिस्सेदारी भागीदारी तय करने वाली फाइल है, जो डॉक्यूमेंट है, उसको जारी कर दें। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में जाति जनगणना की मांग करती रही है, साथ ही साथ सुहेलदेव समाज पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं इस बात को कहती हुई नजर आई है। अब कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं इस आवाज़ को तेजी से उठा रही है, क्यों जरूरी है जाति जनगणना? देखिए, मंडल की राजनीति के बाद सबसे बड़ा क्रांतिकारी जो नजरिया है वो राहुल गांधी जी का है। पिछड़ों के नजरिए से देखा जाए, उन्होंने अभी कर्नाटका के अपने एक भाषण में कहा कि 50% का कैप हटाया जाए, यानी पिछड़ों को जो उनकी आबादी है उस आबादी के अनुपात में उनका हक दिया जाए। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को उठाती है प्रदेश में, अखिलेश इस बात पे को बोलते हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं बहुत ही अदब के साथ कि सामाजिक न्याय की लड़ाई फेसबुक पे नहीं लड़ी जाती है, ट्विटर पे नहीं लड़ाई जाती है, लड़ी जा सकती है। इसलिए हम सारे लोगों को, हम उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना और आरक्षण के सवाल पे कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में मुहिम छेड़ने जा रही है। चाहते हैं आपकी कांग्रेस अट्ठारह मंडल में हम सम्मेलन कर रहे हैं, जिला सम्मेलन करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। जो हमारे नेता, हमारे ओबीसी समाज के लोग बोलेंगे, हम इस सरकार को जातिगत जनगणना करवाने के लिए मजबूर करेंगे, ओबीसी का आरक्षण करवाने के लिए मजबूर कर देंगे। अगर बात की जाए तो आप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 18 मंडल में हम इस बात को करते हुए नजर आएंगे, क्या आप चाहेंगे कि जो तमाम विपक्षी दल भी हो वो आपके साथ आए और एक मजबूती से समाज को उठाए? देखिए, पिछड़ों राजनीति का मकसद क्या है? राजनीति का मकसद क्या है कि सबको उनका हक मिले। इस देश का संविधान कहता है कि सबको, सबके साथ समानता का व्यवहार हो, सबको उनका हक मिला, इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इस बात से कोई पॉलिटिकल पार्टी इस्तेफाक रखती है, समर्थन करती है, हम उसका स्वागत करेंगे। अगर बात की जाए तो अब देखा जाए तो 2022 से ही ये मुद्दा कहीं ना कहीं सुर्खियों में है और कांग्रेस पार्टी अब लोकसभा चुनाव से पहले ही इस मुद्दे को क्यों उठा रही है? इस सवाल को हमने अपने उदयपुर संकल्प शिविर में उठाया था, इस सवाल को हमने अपने रायपुर के अधिवेशन में भी उठाया था। इस बात को हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बोलते हैं। जाहिर सी बात है, चुनाव है, चुनाव में हम पिछड़ों के बीच में इस मुद्दे को लेकर जाएंगे क्योंकि वो उनके समाज का सबसे बड़ा मुद्दा है। उनसे कहेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी आपको हिंदू के नाम पे वोट मांगती है वो आपके साथ नाइंसाफी कर रही है। इस देश में जानवरों की गिनती हो जाती है, इस देश में घड़ियालों की गिनती होती है, इस देश में जो है पेड़ पौधों की गिनती होती है। क्या मजबूरी है कि पिछड़ों की गिनती नहीं हो सकती? 2024 में क्या ये प्रमुख मुद्दा बनेगा? 2024 के चुनाव का ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा और पूरे देश में होगा।
क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं ओबीसी एससी समाज 2019 चुनाव लोकसभा उठा के देखें या 2017 विधानसभा यूपी का देखें या 2014 लोकसभा उठा के देखें, कहीं ना कहीं ओबीसी और एससी का साथ बीजेपी को रहा है और इस बात पे कहीं ना कहीं आप सत्ता अपने तरफ करने के लिए कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल ये मुद्दा उठा रही है? देखिए, वो दो तरीके के दृश्य है। आप स्टेट वाइज देखेंगे तो आपको दूसरा नजरिया देखेगा, आप पूरे देश को देखेंगे दूसरा नजरिया देखा। भारतीय जनता पार्टी कितना प्रतिशत वोट बांटती है, जिस पार्टी को आप मीडिया के लोग बोलते हैं बहुत बड़ी पार्टी, अरे कितनी बड़ी पार्टी है भाई, कितनी बड़ी पार्टी है। गुजरात में, गुजरात और हरियाणा और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यही है ना उत्तर भारत में। और इस बार चुनाव होने जा रहा है, जो विधानसभाओं का चुनाव हो जाएगा, उत्तर भारत से भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। तो जो लोग बोल रहे हैं कि पिछड़े ने वोट किया, बात सही है, पिछड़ों को बहकाया गया, उनको सपने दिखाए गए, लॉलीपॉप दिखाए गए, लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो इस बार पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अकलीय समाज के लोग एक तरफा कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के जो लोग सहयोगी होंगे उनको वोट करेगी और 2024 में हम एक नई सरकार बनाएंगे जो इस देश के संविधान को बचाएगी, इस देश के पिछड़े दलित अकलीत समाज को उनका हक दिलाएगी। अनिल जी, आखिरी सवाल, बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा हुई, राहुल गांधी लगभग 3,700 किलोमीटर की पद यात्रा करते हैं और उसके बाद अगर बात की जाए तो उस दरमियान हिमाचल में कांग्रेस को एक ऐतिहासिक जीत हासिल हुई, उसके बाद ये सिलसिला कर्नाटक पहुंचा है, कितनी मजबूती मिली है कांग्रेस को और कितना इससे हौसला बढ़ा है कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारियों में? ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर 24 में आप देखेंगे। पूरे देश से जिन लोगों ने संविधान को ख़त्म किया है, जिन लोगों ने पिछड़ों को बर्बाद किया, जिन लोगों ने इस देश में अकलीत समाज से उनके होने का प्रमाण मांगा, उनको इस देश की जनता उखाड़ कर फेंक देगी। तो ओबीसी कांग्रेस के अनिल यादव थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में और साथ ही साथ देश में जाति जनगणना की अनिवार्यता है और साथ ही उनका कहना है कि जब हर एक चीज़ों की गिनती हो सकती है तो जाति की गिनती क्यों नहीं हो सकती, उस आधार पर जो तमाम योजनाएं हैं और जिनकी संख्या ज़्यादा है उन्हें लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। और साफ तौर से एक बार मैं अपने सहयोगी से ये कहना चाहूँगा, दिखाएँ कि ये कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश कमेटी का दफ्तर है जहाँ प्रदेश भर से आए तमाम ओबीसी और एससी समाज के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बैठकर और आगे की एक लड़ाई जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि यहाँ साफ तौर से जो बोर्ड है उस पर लिखा है कि जितनी जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, यानी कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना की मांग को तेज करेगी। कैमरामैन नीरज के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। कांग्रेस ने जाति जनगणना की आग को यूपी में हवा दे दी है, इसी मुद्दे पर अब उसे सपा का साथ मिलता नजर आ रहा है। जी हां, अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जाति जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का आभार प्रकट किया है। साथ ही ये भी कहा कि सपा एक लंबे अरसे से जाति जनगणना पर मुखर होकर देश के पटल पर अपनी आवाज बुलंद करती नजर आ रही थी और नए पार्लियामेंट के उद्घाटन और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव पर बात करते हुए उन्होंने कई राज खोले। इससे बातचीत में हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी ने क्या बात की, आइए सुनाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं। स्वामी जी, अगर बात की जाए तो आप लगातार जाति जनगणना की मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर सपा के अंदर में कई कार्यक्रम भी हुए हैं, अब इसी मुद्दे को कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अब उठाते हुए नजर आ रही है, क्या कहेंगे इस मुद्दे मामले पे? बहरहाल कांग्रेस को भी सद्बुद्धि आई कि वो भी जातिवार जनगणना की बात करने के लिए मजबूर हुई। यद्यपि कांग्रेस लगातार 40-42 साल तक सत्ता में रही है, इसे तो उसे बहुत पहले लागू कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। और जब समाजवादी पार्टी ने इसको विगत अपने चुनावी एजेंडे में भी शामिल किया, इसके बाद संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को अपना प्रतिवेदन भी दिया, इस समय में कई विचार गोष्ठियां भी हुई और यहां तक कि जनता के बीच में जाने का फैसला भी कर लिया गया है, तो स्वाभाविक रूप से हमें खुशी है कि हमारी मांग पर और भी पार्टी के
के नेता गंभीर हो रहे हैं, वो भी इसकी आवश्यकता समझ रहे हैं। और जातिवार जनगणना कराना तो राष्ट्रहित में है, इससे दो फायदे हैं। एक तो समग्र विकास के लिए समानुपातिक बजट का बंटवारा भी सुनिश्चित होगा, और साथ ही साथ सत्ता शासन सरकारी क्षेत्रों में तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में सहभागिता भी सुनिश्चित होगी। अगर बात की जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जाति जनगणना मुद्दा क्या प्रमुख सियासी मुद्दा रहेगा? स्वाभाविक रूप से ये देश का बहुत ज्वलंत मुद्दा है और पूरे देश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह पहले होता भी था। 1870 से इसकी शुरुआत हुई थी, 1931 में इसकी अंतिम जातीय जनगणना प्रकाशित हुई थी। कांग्रेस के समय में भी 2011 में जातिवार जनगणना तो हुई, लेकिन आंकड़ा प्रकाशित नहीं किया गया। तो स्वाभाविक रूप से इसकी आवश्यकता इसलिए भी है कि कई बार आरक्षण से संबंधित विवाद जब माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में गए, तो माननीय उच्च न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय कई ऐसे मौके पर जातिवार जनगणना का आंकड़ा मांगा। सरकार यह कह के पल्ला झाड़ लिया कि सरकारी जातिवार जनगणना नहीं हो रही है, इसे सरकारी आंकड़ा प्रस्तुत किया नहीं जा सकता। तो इससे पिछड़ों का हक मारा जाता रहा, और साथ ही साथ लंबे अरसे से, क्योंकि हर 10 साल पर जातिवार जनगणना का प्राविधान था, इसमें 2021-22 में फिर होना चाहिए था, नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने इसको अपने चुनावी एजेंडे में भी शामिल किया कि हम जब सत्ता में आए तो इसको जरूर जातिवार जनगणना कराएंगे। यहां तक कि भाजपा ने भी कई बार विपक्ष में रहते हुए जातिवार जनगणना की बात की, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनको सांप सूंघ गया, इस पर चुप्पी लगा गया। यहां तक कि राजनाथ जी जो वर्तमान में माननीय रक्षा मंत्री हैं, पूर्व में जब गृह मंत्री थे, 2019 लोकसभा चुनाव के पहले सार्वजनिक रूप से इन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि जब 2019 में फिर हमारी सरकार बनेगी तो हम जातिवार जनगणना कराएंगे। फिर बनी, जातिवार जनगणना नहीं कराए। तो स्वाभाविक रूप से आज ये देश का मुद्दा है, और जो भी इस मुद्दे से कतराएगा 2024 में उसकी विदाई भी जनता कराएगी, और इसीलिए इस मुद्दे पर हम जनता के बीच में भी जाने वाले हैं। हम इसको जनता का मुद्दा बनाएंगे, देश का मुद्दा बनाएंगे, और सबसे बड़े राजनीतिक मुद्दे के साथ हम आगामी चुनाव में भी जाएंगे। आने वाले 28 मई को देश के नया संसद भवन का उद्घाटन है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा, और तमाम विपक्षी दलों को निमंत्रण भेजा गया है, और अगर बात की जाए तो 19 प्रमुख विपक्षी दलों के द्वारा इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं बैकआउट किया जा रहा है। उनका कहना है कि देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन करना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, नई पार्लियामेंट का उद्घाटन संविधान प्रमुख, देश की राष्ट्राध्यक्ष एवं देश की प्रथम नागरिक तथा दोनों सदनों के समवेत सदन को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा ही संपन्न कराया जाना चाहिए। यही संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपरा भी है। लेकिन ऐसा न करके भाजपा सरकार महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान कर रही है, और महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान का मतलब है संविधान का अपमान, देश की जनता का अपमान। और भाजपा ने जिस आदिवासी समाज के सम्मान की दुहाई देकर के
माननीय मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया था उस आदिवासी समाज का अपमान है। इससे भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता में उजागर हो गया कि जो भाजपा कल तक कहती थी कि हम आदिवासियों के सम्मान में खड़े हैं, वही भारतीय जनता पार्टी आज आदिवासी समाज के, दलित समाज के, पिछड़े समाज के अपमान के लिए खड़ी दिखाई पड़ रही है। और महामहिम राष्ट्रपति जी का कुछ उद्घाटन के लिए आमंत्रित न करके ये खुल्लम खुल्ला न केवल उनका अपमान बल्कि पूरे दलित आदिवासी पिछड़े समाज का अपमान है। आखिरी सवाल स्वामी जी, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में दो सीटों पर उपचुनाव हो रहा है 29 मई को, सपा और भाजपा के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बात करें तो समाजवादी पार्टी के पास आखिरी मौका है विपक्ष बनने का, 9 सीटें हैं, अगर 10 सीट होती है तो विपक्ष बनेगा, तो कितनी चुनौती है सपा के लिए और सपा के उम्मीदवारों के द्वारा भाजपा और साथ ही साथ तमाम क्षेत्रीय दलों के नेताओं को जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, ओबीसी वर्ग के हैं, एससी समाज के, उनको लेटर लिख के समर्थन देने की बात कही गई है, कितनी चुनौती है इस चुनाव में? देखिए, जब चुनाव शब्द है चुनाव, जब चुनाव है तो स्वाभाविक रूप से पक्ष भी होगा विपक्ष भी होगा, चुनाव है तो सत्ता पक्ष है तो विपक्ष भी अपना प्रत्याशी देगा, यही लोकतांत्रिक परंपरा है। हम अपनी लोकतांत्रिक परंपरा के तहत कदम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रत्याशी उतारने से भारतीय जनता पार्टी बेचैन क्यों है, उसका सर्द क्यों हो रहा है, क्यों है तो वह मचा हुआ है? अगर हम विपक्ष का प्रत्याशी नहीं होगा तो चुनाव किस बात का? इसलिए लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वहन मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी उसका निर्वहन कर रही है, इसमें भाजपा को बुखार नहीं आना चाहिए। जी बिल्कुल, तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जाति जनगणना के मुद्दों को हम कहीं ना कहीं प्रमुखता से 24 में भी उठाते आएंगे, और इसमें कांग्रेस पार्टी के इस मुद्दे उठाने पर उन्होंने कहीं ना कहीं उसका तारीफ किया है कि समाजवादी पार्टी के मुद्दों को अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं पुरजोर तरीके से उठाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा नए पार्लियामेंट के उद्घाटन कराना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं भारत का संविधान और मजबूत होता। कैमरामैन नीरज के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। निकाय चुनाव की समाप्ति के बाद से सभी राजनीतिक दल अपनी समीक्षा बैठक में लग चुके हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने प्रदेश कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि RLD हर बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करेगी, साथ ही वो ये भी बोले कि प्रदेश की 24 सीटों पर RLD निर्णायक की भूमिका में है और जो भी इस आम चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का मोर्चा बनेगा RLD उसका समर्थन करेगी। निकाय चुनाव के बाद सभी राजनीतिक दल समीक्षा बैठक कर चुके हैं और लोकसभा की तैयारियों में जुट गए हैं। कल राष्ट्रीय लोकदल ने अपने कार्यालय पर एक समीक्षा बैठक की और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने आगे के चुनावी कार्यक्रम के बारे में लोगों को बताया, बातचीत किया। इस समय हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रालोद के द्वारा की गई, क्या कुछ अहम मुद्दे रहे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, आज की प्रेस वार्ता इस बात को लेकर के थी कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय निकाय चुनाव हुआ है उसमें RLD ने प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अच्छी सफलता प्राप्त किया है। लगभग 102 हमारे प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, सभासद लेकर के नगरपालिका टाउन एरिया के अध्यक्ष तक। बहुत से हमारे समर्थन से निर्दल भी जीत करके आए हैं, कुछ हमारे उम्मीदवार बहुत कम वोटों से हार गए। ये परिणाम पहली बार RLD के खाते में आया है और इसका कारण रहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने मुद्दों को लेकर के पिछले एक वर्ष में जिस तरह से संघर्ष किया है, हाथरस से लेकर के लखीमपुर खीरी तक, किसान और महिला के मुद्दों को लेकर के, अग्निवीर योजना को लेकर के युवाओं के मुद्दों को भी उठाया, किसान के MSP के मुद्दों को लेकर के भी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक में उन्होंने राज्यसभा में भी इस मुद्दे को उठाया, इसी का परिणाम सामने आया है। हमारे दल के नेता के नेतृत्व की स्वीकार्यता पूरे प्रदेश में बढ़ रही है और उनका व्यक्तित्व का उभार
से लोग प्रभावित हो रहे हैं और इसी का परिणाम हमको आज दिखाई दिया है। दूसरा, हमने आज कहा है कि 29 तारीख को हमारे लोकदल के वैचारिक पुरुष और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है, उसको हम पूरे प्रदेश में समरसता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिए हैं। उस दिन सभी जिला मुख्यालयों में और कार्यक्रम में जगहों पर विधानसभाओं में समरसता के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तीसरा विषय था कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 2 दर्जन ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव है, जनाधार है, वहां जीत हार के फैसला करने में लोकदल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऐसी लोकसभा सीटों के हर बूथ तक हमारी कमेटी बन जाए, हर सेक्टर और उप सेक्टर पर हमारे कमेटियां गठित हो जाए, उनका सम्मेलन हो जाए। इसके लिए 31 अक्टूबर तक हम इन 2 दर्जन लोकसभा सीटों में अपने नेटवर्क को बिल्कुल दुरुस्त कर लेंगे। मोटे तौर पर इन्हीं बातों पर आज की प्रेस वार्ता रही। आपने कहा कि निकाय चुनाव में प्रतिकूल परिस्थितियों में रालोद ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन था, उस गठबंधन में इस निकाय चुनाव में खटास देखी गई। बातें ये निकल के आ रही है कि आप कांग्रेस के साथ भी लोकसभा चुनाव में जा सकते हैं। राजस्थान में आप कांग्रेस के साथ हैं, सरकार में हैं। कांग्रेस भी ये चाहती है कि किसी न किसी का समर्थन जो है उसको मिले, ताकि वो बीजेपी जैसे पार्टी को टैकल कर सके। आज कांग्रेस ने भी एक मुद्दा उठाया है जो सुभाषपा और समाजवादी पार्टी लगातार पहले से उठा रही थी, जाति जनगणना का मुद्दा कांग्रेस ने भी थाम लिया है। तो क्या आप रालोद की तरफ से जब गठबंधन करने वाले हैं कांग्रेस से, या फिर जिस किसी भी गठबंधन में आप रहेंगे, तो इस मुद्दे पे आप साथ निभाएंगे कांग्रेस का या फिर किसी भी दल का जो जाति जनगणना का समर्थन कर रही है? देखिए, जनगणना तो हमेशा होती रही है, लेकिन इस बार कई दलों की राय थी कि जातीय जनगणना भी करा लिया जाए, ताकि उसके माध्यम से बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने इसका समर्थन किया है, तो रालोद उनके साथ है। जिस हिसाब से बात की जाए तो 19 मई से आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो एक अभियान लेकर निकले हुए हैं। कई जगह में पश्चिम में उनका अभियान चल रहा है, 19 मई से चल रहा है समरसता अभियान जिसे कहा गया है। तो इस अभियान से क्या कुछ जो है स्थिति जहां प्रतिकूल है वो रालोद के अनुकूल रहेगी, ताकि लोकसभा चुनाव में जिन 2 दर्जन सीटों की आप बात कर रहे हैं वहां जो है आपकी स्थिति और पकड़ और मजबूत हो सके? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से सामाजिक समरसता, भाईचारा और एकता बनाए रखने की पहल करता रहा है, चाहे चौधरी चरण सिंह जी की राजनीति रही हो, या चौधरी अजीत सिंह जी की राजनीति रही हो, या जयंत चौधरी जी की राजनीति। सामाजिक बंटवारा नहीं होना चाहिए, भाईचारा नहीं टूटना चाहिए। आज भाईचारा पर संकट है, सामाजिक एकता पर संकट है, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, मुजफ्फरनगर से जिसकी शुरुआत हुई थी, ऐसी परिस्थिति पुनः प्रदेश में न बननी पाए, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसी के बहकावे में नहीं आना है और निरंतर भाईचारा बनाए रखने के लिए कोशिश करनी है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वह रालोद का बेल्ट माना गया है, वहाँ आपकी पकड़ अच्छी खासी है, लेकिन प्रदेश के और भी इलाके ऐसे हैं जहाँ रालोद जो है अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है, तो उन सीटों पर मजबूती लाने के लिए क्या कुछ रालोद करेगी, या किसी बड़ी पार्टी के साथ जुड़ के जाएगी, वहाँ अपना प्रचार प्रसार करेगी, क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्या कुछ योजनाएँ बनाई गई हैं उन सीटों पर जहाँ रालोद की पकड़ पश्चिमी सीटों के मुकाबले काफ़ी कम है? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल पहले लोकदल था, उसका पूरे प्रदेश में अपनी एक पहचान थी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिले अगर देखा जाए तो 1980 में जो लोग जीत के आए थे, जो विधायक रालोद से जीत के आए थे, उसमें देवरिया, कुशीनगर, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, ये तमाम पूर्वी उत्तर प्रदेश बस्ती, ये जिले थे जहाँ लोकदल का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। आज भी वहाँ की जनता चौधरी चरण सिंह को अपना नेता मानती है, उनकी विचारों के प्रति अपने को प्रतिबद्ध रखती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गन्ना मूल्य बढ़ाया,
कृषि में जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाया उसे आज भी पूर्वांचल की जनता बहुत प्रभावित है, इसलिए व्यापक उनका आधार है पूर्वांचल में। हम लोगों को संगठन के स्तर पर उन्हें संगठित करना है, बूथ कमेटी बनाना है, और आगामी दिनों में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, ये लोकसभा चुनाव सामान्य परिस्थिति में नहीं हो रहा है। ये लोकसभा चुनाव एक तरफ देश के संविधान है, लोकतंत्र है, मूल्यों की राजनीति है, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का सवाल है। इन मुद्दों पर सारे विरोधी दल, विपक्षी दल एक मोर्चा बनाने जा रहे हैं, संयुक्त रूप से एक मोर्चा बनने वाला है। अब यूपीए नाम होगा, एनडीए के मामले में के प्रतिपक्ष में यूपीए आएगा, नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से मुहिम शुरू किया है उससे बहुत बड़ा परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जो सामाजिक मतदाताओं का समीकरण अभी तक अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों के साथ था, वो राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ रहा है और बात कर रहा है। इसलिए दो फाड़ होने जा रहा है, इसमें हमारे आज़ाद वो समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद, आरएलडी के नेता चौधरी जयंत सिंह, जिनकी छवि एक संघर्षशील नेता की बनी हुई है पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश का नौजवान उनके साथ जुड़ा महसूस कर रहा है, उनके साथ जुड़ रहा है। अभी मैं देखा कि आज़ाद समाज पार्टी के नेता कुशीनगर गए और दो घंटा की सूचना में 400 लोग इकट्ठा हो गए, तो ये बड़ी बात है। इसलिए मुझे लगता है कि जो आने वाला लोकसभा चुनाव होगा वो एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में एक मजबूत मोर्चा बनेगा, जिसमें आरएलडी भी होगी, समाजवादी पार्टी भी होगी, कांग्रेस भी होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो गठबंधन तैयार होगा रालोद उसको सपोर्ट करेगा। प्रदेश में 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहाँ पर रालोद अपनी स्थिति को और भी मजबूत करने की तैयारी में लगा हुआ है, हर बूथ लेवल पर संगठन जो है काम करेगा ताकि आम चुनाव में रालोद जो है अपनी पकड़ अच्छी तरीके से और मजबूती से बना सके। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी लखनऊ। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।